हेलो एवरीवन वन सेल्फ पंकज वेलकम टू बीइंग फिश को और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आई सी आर यू जी ट्वेंटी ट्वेंटी टू के सेफ परसेंटाइल स्कोर जिन पे कि आपको कॉलेजेस अलॉट होंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स जो कि ट्वेंटी ट्वेंटी वन में जिन्होंने अप्लाई किया था वो थे वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड सिक्स फिफ्टी फोर और ट्वेंटी ट्वेंटी टू में एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स जिन्होंने फॉर्म डाले हैं वो हैं एटी नाइन थाउजेंड फोर फिफ्टी सेवन और उसमें भी सिक्सटी के अप्रोक्सीमेटली सिक्सटी थाउजेंड बच्चे ही अपियर किए थे एग्ज़ाम के लिए तो इस बार बहुत चांसेस है कि आप सभी को जिनके अच्छे परसेंटाइल आए हैं उनको कॉलेजेस और बेस्ट कॉलेजेस अलाउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और एक और ख़बर यह है आई की तरफ से कि सीट्स भी इंक्रीज कर दी गई है यू लेवल पर फ्रॉम ट्वेंटी टू थर्टी ये सीट्स की इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी इस बार अगर हम लोग बात करें गुड कॉलेज के सेफ परसेंटाइल स्कोर के कैटेगरी वाइज एज वेल एज डिपार्टमेंट वाइज तो कुछ इस प्रकार होंगे बी एस के लिए जनरल के लिए परसेंटाइल स्कोर जो कि सेफ परसेंटाइल स्कोर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो सकता है वो है एटी नाइन प्लस परसेंटाइल जनरल कैटेगरी के लिए एटी नाइन प्लस परसेंटाइल आपको बी एस के कॉलेजेस अलॉट हो सकते हैं ई के लिए एटी सिक्स प्लस परसेंटाइल होगा ओ के लिए एटी सिक्स प्लस एस के लिए सेवेंटी फाइव प्लस परसेंटाइल स्कोर एंड एस के लिए सेवेंटी प्लस परसेंटाइल स्कोर पर आपको कोई भी बी एस के कॉलेजेस अलॉट हो सकते हैं बात करें अगर बी हॉर्टिकल्चर के लिए तो वो कम एज़ कम्पेयरजेंड टू बी एग्रीकल्चर तीन से चार परसेंटाइल लेस मान लीजिए मान लीजिए सपोज जनरल का अगर बी एस सी के लिए एटी नाइन प्लस है तो बी एस सी के लिए एटी सिक्स प्लस परसेंटाइल स्कोर जाएगा और इसी प्रकार सब में थ्री टू फोर परसेंटाइल को आप लेस कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि बी हॉर्टिकल्चर किस बेसिस पे आपको अलॉट हो सकता है बात करें अगर बैचलर ऑफ़ फ़िशरी साइंस बी एफ के लिए तो एटी प्लस परसेंटाइल इज सेफ़ स्कोर आपको कॉलेज अलॉट हो जाएंगे बैचलर ऑफ़ फिशरी साइंस के लिए लेकिन टॉप कॉलेजेस फॉर एग्जाम्पल पंत नगर पाने के लिए आपकी परसेंटाइल स्कोर नाइन्टी टू प्लस या नाइन्टी फाइव प्लस परसेंटाइल स्कोर होना ही चाहिए क्योंकि उसमें कुछ ही सीटें आई सी आर की होती हैं बाकी वो स्टेट अपने स्टेट एंट्रेंस एग्जाम से ही एडमिशन ले लेते हैं तो इसलिए टॉप कॉलेज में जाने के लिए आपको नाइन्टी फाइव प्लस परसेंटाइल होना चाहिए बी एफ एस सी में बात करें अगर टॉप कॉलेजेस जैसे कि बी एच यू या फिर आई आर आई आई आर आई ने इस बार यू जी का एडमिशन इस बार रिक्रूट करेंगे वो लोग तो अगर इन कॉलेजेस की बात करें ये बेस्ट कॉलेजेस में इनकी गिनती होती है तो इनके लिए बीएससी एजी में या फिर बीएससी एस सी कुछ भी में, में एडमिशन पाने के लिए आपकी परसेंटाइल स्कोर नाइन्टी एट या फिर नाइन्टी नाइन प्लस परसेंटाइल होनी चाहिए जनरल कैटेगरी पर मैं तो बोलूंगा नाइन्टी प्लस परसेंटाइल होना चाहिए तब आपको बी एच हो सकता है जनरल कैटेगरी ओ के लिए नाइन्टी टू नाइन्टी परसेंटाइल और एस सी के लिए नाइन्टी टू नाइन्टी परसेंटाइल होना चाहिए तब ये सेफ़ स्कोर होगा आपको बी के लिए और अगर स्पेशल रेफरेंस पे बात करें आर पी सी ए यू डॉक्टर डा, डा, राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और आर एल बी सी यू रानी लक्ष्मी भाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो इनके लिए सेफ परसेंटाइल स्कोर होगा नाइन्टी थ्री प्लस परसेंटाइल स्कोर सेफ परसेंटाइल है जिसपे आपको वहाँ पर कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगे और दोस्तों एक और अपडेट देखने को मिला है कल आई सी आर एग्जाम डॉट नेट साइट पर पहले उस साइट पे कुछ और देख देखने को मिला था अभी कल से कुछ और देखने को मिल रहा है वहाँ पे साइट अभी मेंटेन और मेंटेनेंस के स्टेप में कुछ स्टेप आगे बढ़ गई है तो बहुत जल्दी उम्मीद किया जा रहा है कि वो साइट एक्टिव हो जाएगी और रैंक कार्ड बहुत जल्दी पब्लिश हो, जा, हो जाएगा उस साइट पे आई सी एग्ज़ाम डॉट नेट ठीक है और आई पीजी के स्कोर कार्ड भी बहुत जल्दी रिलीज होने वाले हैं तो ट्वेंटी अक्टूबर टेंटेटिव डेट्स हैं देखते है अब उसमें एक दो दिन का हो सकता है आगे बढ़ सकता है लेकिन ट्वेंटी अक्टूबर ट्वेंटेटिव डेट्स है तो बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं दोस्तों कि रिज़ल्ट रिलीज़ हो जाएंगे और काउंसलिंग के लिए भी साइट बहुत जल्दी ओपन हो जाएगी आई सी एग्जाम डॉट नेट साइट इस साइट पे ही सब कुछ होना है ओके okay, दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो स्टे सेफ ओके